शरीफ खानदान के इदारों के खिलाफ साजिशों का अदालतें नोटिस लें। मरियम सफदर अवान की जमानत कैंसिल की जाए। पीडीएम क्यादत एहतजाजन खंभों पर चढ़े या K2 पर, इन्हें NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान के नून लीग पर वार, बोले नून लीग बाहर और मीम लीग पाकिस्तान में जितना बोले और खेलेगी, अपनी पार्टी की सियासत और शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी। मफरूरुद्दीन साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन्होंने एटम बॉम्ब के वाले से दावा किया। गौहर अयूब की किताब और डॉक्टर अब्दुल कदीर के पीसीओ इंटरव्यू गवाह है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब एटम बॉम्ब का धमाका करने नहीं जाते थे। बेगम सफदर अवान साहिबा के जो इस वक्त जमानत पे हैं, अदालतों ने उन्हें जमानत दी थी कि अपने वालिद की जिम्मेदारी करें, अब वो पाकिस्तान के रियासती जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी ये पाकिस्तान डिमोलिशन मूवमेंट PDM ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन UNO के पास जाएं, इनको ना NRO मिलेगा, ना इनकी लाजवाब बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा।